कितना अच्छा लगा, आपके सांस की इच्छा थी कि आप हेलीकॉप्टर में बैठ कर आए। इनके मदर से लीजिए, हाँ मदर से लो इनके। अरे यार उम्मीद कहाँ गया, उम्मीद मदर से इंटरव्यू लीजिए। मदर का इंटरव्यू, मदर का इंटरव्यू लीजिए जल्दी। क्या हुआ यार, अरे लो कैसे ख्याल है आज का जो युग है, आज के युग में क्या बहू रानी को सास और बहू के झगड़े का जो कारण बन रहा है आपस में सहन शक्ति बहुत कम है, उसकी वजह से ये आज प्रॉब्लम। बाकी सास माँ की तरह और एक दूसरे का ध्यान रखे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। बहुत बढ़िया सर, एक मिनट बारो पर तरुण जी की फैमिली है, उनसे बात करते हैं। और क्या नाम है जी आपका? बट एक्चुअली परी ये लेकर आ रहे हैं, ये इन्होंने जैसे कि आपने कहा कि परी परी होती है तो उड़ा कर लेके आ रहे हैं। पापा की परियां होती है ये तो मैंने आज तक सुना था, बट ये सच में बहू को बेटी बना के परी के पास बना रहे हैं। बड़े तो देखिए आप क्या करते हैं? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सारा क्रेडिट मुझे ऑर्डर दिलाने का। ये नीलम के बेस्ट फ्रेंड है, तो तरुण जी की जो सिस्टर है वो ये बहुत अच्छे कॉलेज टाइम के फ्रेंड हैं। जब इन्होंने मुझे बोला तो मैं कि नहीं ये चीज़ मैं करूँगी, और इन्होंने बोला आप बिजी हो, मैं नहीं मैं बिजी भी हूँ तो भी बेस्ट चीज़ के लिए होंगे कि ये चीज़ एक बेटी के लिए उसके पापा के कुछ अरमान होंगे, लेकिन जो अरमान उन्होंने किए होंगे बहुत अच्छे से, बट उनके पूरे भी उससे ज़्यादा इनके थे आंटी के। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इन्होंने एक बेटी को अपनाया, एक बहू नहीं ला रहे हैं, ये बेटी ला रहे हैं। और पापा की परी रियली में आज प्रूव होता है कि पापा की परियाँ होती है, और सास ससुर भी माँ बाप बन सकते हैं, ये इसीलिए ये पापा और की परियाँ ही आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक चल रहा है, जैसे इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही कि बेटियां हैं जो पापा की परियां हैं, और ये अपनी बहू नहीं बेटी बना के लेके आ रहे, उड़ा के भी लेके आ रहे इस रेगिस्तान में। तो यहाँ पर दूल्हे के रिश्तेदार, हाँ क्या नाम मेघवाल शादी होने जा रही है, ये दिलाराम पिता श्री कुशला जी बंधु गांव विशाला हाल मसूरिया कॉलोनी बाड़मेर के शिक्षण संस्थान तरुण संस्थान बना हुआ है, यहाँ के संस्थापक है, और इनके पुत्र श्री तरुण कुमार की शादी बिजड़िया जीडीए के अंदर बिंदाणी में होने जा रही है, जहाँ इनका माता पिता का जो सपना है कि हेलीकॉप्टर में तरुण गुलाब
आगे और शादी में लाके आगे। ये समाज नेपाल समाज का पहला एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है और ये एक इतिहास बनेगा कि नेपाल समाज अब किसी समाज से पीछे नहीं है और हर तरह से सक्षम है और ये नई दिशा लोगों को नई दिशा मिलेगी। और दूसरा ये इनके दोनों ही पति पत्नी दोनों ही शिक्षित और दो ही शिक्षा कर्मी हैं और इनका अच्छा शिक्षा स्थान ये मंसूरिया कॉलेज में चल रहा है। हमारे समाज के अन्य समाजों के लोग ये शादी के अंदर शामिल हुए हैं और यहाँ हेलीपोर्ट जो ये दस्ते धाम के यहाँ उतर रहा है और लैंडपोर्ट हो रहा है वहाँ से और सभी देखने के लिए यहाँ आए हैं और हमारे ये जो कुमार की धर्मपत्नी जो उससे शादी में भी हेलीकॉप्टर से हमारे हैं उसका स्वागत के लिए आप सभी आए हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस सबसे पहला मौका युवा को जोश आ रहा है कि हम ऐसे कंप्यूटर जो इस प्रकार का काम उन्होंने किया है दिलाराम पन्नू द्वारा, ये हम सहयोग के साथ में हैं और ये अच्छा और अच्छे सबको आसान महसूस हो रहा है कि होना चाहिए। और ये शादी विवाह के अंदर इसे हेलीकॉप्टर मंगा करके और नेपाल समाज ने ऊंट घोड़ा हाथी को छोड़ करके एक हेलीकॉप्टर का ऑर्गन और चुना है, ये सबसे बढ़िया और अच्छा ये जगह का जो शादी हो रही है ये इतिहास यादगार बाढ़ में जिले में बन रहा है। इसलिए मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ और ये आइंदा हाँ आप गवर्नमेंट सर्विस में रहे हो और ऐसे बहुत सारे नेताओं के देखे होंगे कभी भारत का ऐसे अभी ये हुआ फर्स्ट बार मेरे को समझ हुआ है। हाँ आप गवर्नमेंट हाँ मैंने 40 साल नौकरी पुलिस विभाग में की समय से की है ऐसा बाड़े में पहली बार हुआ है। हमारा नजदीक रिश्तेदार है ये हमारा जिया राम जी जो हमारे सारा जी उनके ये जमाई साहब है। आज हमारे समाज की बेटे दिलाराम जी पन्नू जो हमारे शिक्षा संस्थान के डायरेक्टर भी है उनके बेटे की शादी है जो कल बीजरार गई थी और बीजरार से अभी क्या हेलीकॉप्टर के लिए द्वारा यहाँ बाड़मेर आ रही है और हम बेगवा समाज के साथ साथ बाड़मेर जिले के सभी समाज के लोगों का सौभाग्य है कि पहली बार इस दूर दराज क्षेत्र के अंदर बसे हुए क्षेत्र के अंदर जो शिक्षा की दृष्टि से या दूसरे तरह से सब तरह से पिछड़ा माना जाता था उस पिछड़े क्षेत्र के अंदर बरात है वो हेलीकॉप्टर के अंदर आ रही है तो सब लोग खुशी हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे आसपास हजारों की तादाद में यहाँ लोग खड़े हैं। अभी मैं देख रहा था कि बीजड़ार के अंदर भी हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर हेलीकॉप्टर देखने के लिए और इस ऐतिहासिक बारात को देखने के लिए बड़ी तादाद के अंदर लोग देखते हैं। आज के समय में बेटी 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 और बहू का अंतर नहीं समझा जाता, लेकिन बहू को लेके आ रहे हैं हेलीकॉप्टर कितनी खुशी हो रही है। बहू को लेके आ रहे हैं बहुत बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि आज से पहले तो बहू को और बेटियों को बहुत ही दोयम दर्जे का माना जाता था तो उसके लिए हमें बड़ी खुशी है कि एक बेटी को लाने के लिए अभी थोड़े समय पहले मैंने देखा था कि एक बेटी को पहली बार लाने के लिए नागौर के अंदर है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा उसका दादा है वो लेके आया था। उसी भांति हम लोगों के अंदर भी एक खुशी है सब लोगों में कि पहली बार है वो एक बेटी को और बेटी को और बहू के रूप में यहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा लेके आ रहे हैं तो हम सब समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।
लेपल दे लेपल लाल हमारे साथ
लो आ जाओ अरे भैया थोड़ा दूर रहिए रे क्या है ये क्या कर रहे क्या है यार थोड़ा बाहर रहिए तो आप लोग बड़े दूर हो यार समझते नहीं ये सपना देखा था।
मैदान आया था तो मतलब आपने एक मिनट भैया दिल जी आपसे यहाँ पे बेटी के जैसे लेके आए यहाँ पे आपके ससुराल में आपने ऐसा सोचा था पहले कभी कि आप इस तरीके से भाई दो मिनट शांति रखो यार अरे भाई कौन पड़े यार नुकसान हो गई इनके इनके साइड में और साइड में सही है अरे जगह पड़ी दे तो बैठो जगह पड़ बैठ बैठ जगह बैठो जगह पड़ी हुई बैठो गए चलो फाटक बंद करो बैठ गया गाड़ी रवाना करो गाड़ी रवानी करो हेलीकॉप्टर में बिठाया।